रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर भी एक कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर कुछ कदम चलना भी मुश्किल है। अर्थात हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं SSC MTS की वैकेंसी इंक्रीजमेंट से रिलेटेड न्यूज़ को लेकर। दोस्तों आप सभी को बता दूं, अगर आप SSC की तैयारी करते हैं या फिर SSC MTS का आपने पेपर दिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ, वैकेंसी इंक्रीजमेंट से रिलेटेड न्यूज लेकर आया हूँ। आपके कई सारे कमेंट्स थे उसके आधार पर, और मैं कई दिन से खोज रहा था वैकेंसी इंक्रीजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को, देख रहा था कि कहाँ वैकेंसी इंक्रीजमेंट हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद ही फाइनल आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। कट ऑफ भी कम क्यों जाएगी उससे भी रिलेटेड बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त SSC की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था SSC MTS में वैकेंसी इंक्रीजमेंट हुई है। जब आपकी वैकेंसी निकली थी तो ये वैकेंसी निकली थी 7,099 पदों के करीब ये वैकेंसी निकली थी। आपका टायर वन एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, टायर टू एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, और इन एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद टायर वन का रिजल्ट भी आ गया और टायर टू का रिजल्ट अभी आपका 30 अप्रैल को आना है, वो बाकी है। तो आपको बता दूँ आपकी वैकेंसी इंक्रीजमेंट से रिलेटेड क्या है न्यूज़। तो पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन दिखाया था। RTI जिन कैंडिडेट्स ने लगाया था उसकी RTI मैंने दिखाई थी, लेकिन अब कुछ कैंडिडेट्स ने फिर से RTI लगाया। तो जो आपकी वैकेंसी थी 7,099 पदों पर, ये वैकेंसी आपकी 9,000 प्लस पदों पर पहुँच चुकी है। और इसमें जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन में आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 2100 प्लस पदों पर ये वैकेंसी थी, लेकिन अब ये भर्ती आपकी 3500 प्लस पोस्ट पर हो चुकी है। क्योंकि शुरू में क्या हुआ था, जब SSC वैकेंसी निकालता है तो तमाम डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट होते हैं तमाम डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट की वैकेंसी को कलेक्ट करके निकालता है, लेकिन दोबारा से जब SSC ने इसका डाटा लिया तो जो वैकेंसी हैं वो फिर क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। मैंने आपको RTI भी पिछली वीडियोज़ में दिखा दिया था, उसको वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो जो आपकी वैकेंसी अभी ये 9,000 प्लस पदों पर हो चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो वैकेंसी आपकी 9,000 प्लस पदों पर हो चुकी है, और RTI भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगर वैकेंसी बड़ी है, वैकेंसी बड़ी है तो आपकी कट ऑफ भी क्या जाएगी, कम जाएगी। कट ऑफ थोड़ा सा लो रहने के चांसेस हैं। कट ऑफ पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन है तो आपके कमेंट का आंसर 5 मिनट के अंदर दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, या फिर आपका क्वेश्चन जो है वो टायर टू एग्ज़ाम में अगर आपने कोई गलती कर दी है, जैसे आपने अपना नेम लिख दिया है लेटर में, या फिर अपना पिन कोड लिख दिया है, मोबाइल नंबर लिख दिया है, या फिर आपने अपना एड्रेस लिख दिया है, या तमाम चीज़ें, अगर ऐसी कोई गलती आपने की है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर 5 मिनट के अंदर दिया जाएगा। अब बात आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पूछ लीजिएगा। कट ऑफ कम क्यों जाएगी? अगर वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ भी कम जाएगी। तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी 3 नंबर, कम से कम 3 से 4 नंबर आपके लेस होने के काम हो सकती है, यानी कि कम हो सकती है। जो आपकी कट ऑफ 84 पर जानी थी जनरल की, लगभग इतनी मैं जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता था तो आपको बताता था कि 84 प्लस पर आपका सेफ स्कोर है, लेकिन अगर वैकेंसी बढ़ी गई है तो इसका मतलब 81 प्लस पर ही आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस है। 81 तक आपका सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए माना जा सकता है। इसी तरीके से OBC कैटेगरी के लिए किसी का स्कोर 74 प्लस है तो एक अच्छा स्कोर है। तो कट ऑफ भी आपकी 2 से 3 नंबर, अगर जो 7,099 पदों पर जब वैकेंसी थी तो उसके हिसाब से अगर कट ऑफ बात की जाए तो 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा होते थे, लेकिन अब अगर वैकेंसी बढ़ गई है तो कट ऑफ भी आपकी 3 से 4 नंबर कम जाने के चांसेस हैं। तो ये बात तो पक्की है कि जो आपकी वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है, लगभग 2,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी बढ़ चुकी है, ये बात क्लियर है। और अगर ये बात क्लियर है तो ये भी पक्का है कि कट ऑफ भी आपकी क्या जाएगी, कम जाएगी, और आपके पास होने के चांसेस भी क्या हैं, 90% बढ़ गए, 90% बढ़ गए। जिन कैंडिडेट्स के पास होने के लिए उनको डाउटफुल था तो उनके चांसेस इस बार बढ़ गए कि वो पास हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यही खुशखबरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।